नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद रवि। मौजूद हैं दिल्ली में निर्माण भवन के बाहर, जहां दिल्ली के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से छात्र आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यहां से इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको मार्च करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वो यहीं प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह के हालात देश भर में डॉक्टरों के साथ हैं और जिन वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, और ये किस तरह के सुधारों की मांग कर रहे हैं। और सुनने में इनकी एक प्रतिनिधिमंडल भी अंदर गया है, वो भी वार्ता करने गया है। वो वार्ता करके क्या आता है, उसकी क्या बातचीत होती है, ये भी हम आपको बताते हैं। सुनिए, ये लोग प्रदर्शन के दौरान किन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, all the people who are working and attached with the hospital. It is very important not just to say that safety, it has to be implemented also. देखो, ये मैटर आज का नहीं है। अगर हम बात करें अपने पास्ट की भी, तो देर आर सो मैनी इंसिडेंट्स नर्सेज पे, डॉक्टर्स पे, रेजिडेंट डॉक्टर्स पे, हम लोग डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं। ये आज एक लड़की की बात नहीं है, ये पहले भी कई केस हुए हैं। अभी गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, स्पेशली कोलकाता गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हम लोग जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ ये हुआ है। तो हम सब लोग एक हैं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और स्पेशली अभी कल परसों उत्तराखंड में भी एक केस हुआ है नर्सेज के साथ। सो इट्स वेरी वेरी सैड और बैड हमारे लिए कि अभी नर्सेज और डॉक्टर सेफ नहीं है। जो आप सब लोगों का ध्यान रखती हैं वो सेफ नहीं है। जो इतना ब्रुटैलिटी से रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, एवरीवन नोज कि इतना बुरा हाल हुआ है। ये कोई सिंपल रेप केस नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3000 लोग वहाँ घुसे और हमारे साथ वालों को मारा है और वहाँ फायरिंग हुई है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारी खुद की जान बचाना मुश्किल हो गया है। एक बात बताइए, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है उसके लिए? भेज सकती थी ना, जब कोई भी छोटी मोटी चीज होती है भेजती है ना आर्मी हर जगह, तो यहाँ पे क्यों नहीं? क्यों से पुलिस वालों से, जो पुलिस वाले खुद कुछ नहीं कर पा रहे उनसे क्यों काम चला रही है? भेजो ना फोर्स, सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो? उस जगह पे जिस जगह को क्राइम सीन को लॉक करना चाहिए था, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। CBI क्या देखेगी, कैसे हो रहा है, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हो रहा है? शुरुआत में ही हमारे डॉक्टर को बोल दिया सुसाइडल किया, उसके बाद बोल दिया डिप्रेशन की शिकार है जी, झूठ मूठ का। उसको बदनाम, उसके करेक्टर को असेसमेंट किया गया, वो तो दुनिया में नहीं रही बेचारी जो जवाब दे सके। नेता लोग कौन होते हैं उसके करेक्टर असेसमेंट करने वाले? हमने पूछा तुम क्या करते हो, किसी से पूछा? मीडिया वालों से पूछा करते हो? कभी पूछा? कभी नहीं। हर एक पर्सनल सबकी जिंदगी होती है, आज बात उसके करेक्टर की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसके साथ जो क्रूरता के साथ जो कृत्य किया गया है, उसकी बोटी बोटी नोच ली गई है, उस पर जवाब चाहिए। वो एक राक्षस आदमी कर सकता है और एक इंटेंशनली कर सकता है, इस बात को RG मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ भी जानता है, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है CBI में कुछ जांच निकल के आएगा। ये बहुत खराब चीज है, हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तुम हॉस्पिटल में घुस के पूरा हॉस्पिटल तोड़ दिया, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया, सबूत मिटा दिए। 3000 लोग रात के 3 बजे आके पूरा का पूरा हॉस्पिटल तोड़ फोड़ कर गए, उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसमें नहीं पूछ रहा है 3000 लोग कहाँ से आ गए, रात के 3 बजे कैसे चढ़ गए, उनको किसने बोला हॉस्पिटल वैंडलाइज करने को? और यहाँ खड़े होकर सिर्फ प्रदर्शन करने, एक मोमबत्ती जलानी है तो उसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो सब पॉलिटिकल और ये सब चीज हो गई ना, मतलब दिस इज नॉट राइट। अभी हम अगर सरकार के पास नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर कोई हमारा साथ ही नहीं देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? डेमोक्रेसी किस बात की है? लोग सही कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। एक डॉक्टर लगातार 72 आवर्स भी काम करता है और उस हालत में भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपना 100% दें। उसमें अगर एक छोटी सी गलती होती है तो हम लोगों को जेल में डाल देते हैं या लोग हमें पीट के चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? हम लोग बस इतना ही जानना चाहते हैं क्यों, और उसके लिए सरकार कर क्या रही है? हमेशा हमसे वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन हमारे लिए कर क्या रहे हैं? इट्स सैड, इट्स वेरी वेरी सैड, इट्स पैथेटिक। हम कोई कहता है बाहर रात को मत निकलो, अकेले नहीं निकलना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ दिक्कत हो जाएगी, मेट्रो में मत सफर करो। एक वर्क प्लेस एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे अभी मान के चलते हो कि यहाँ तो सेफ रहेंगे। रात को हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए हर कोई मना करता है कि रात को बाहर मत जाना, हॉस्पिटल कैंपस में ही रहना। अब हम हॉस्पिटल कैंपस में भी सेफ नहीं है, कहाँ जाए?
या तो हम सभी मर जाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, सबको मर जाना चाहिए क्योंकि अब तो कुछ भी सेफ नहीं है, हम क्या कहाँ जाएं? The question is कि where should we go, who should we trust? अगर हम अपने आसपास के कलीग्स को या अपने हॉस्पिटल में कोवर्कर्स को या किसी ऐसे इंसान को जिसको हम जानते हैं उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब देयर इज नथिंग वी कैन डू। सरकार अभी बस वर्बल एश्योरेंस और रिटेन में बोल रही है कि एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी इस कानून को पे डिस्कस करेगी, आगे बनाएगी, जो कि हमारा ये कहना था कि पहले भी ये कानून के रिगार्डिंग बिल बना था, बट कभी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, कभी नहीं भी हुआ, बट इसको एक्ट तक नहीं पहुंच पाया। हमारा मेन डिमांड एक तो कोलकाता के जो इंसिडेंट है उसको लेके है कि वहाँ के कल्प्रिट को CBI की और भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, बड़ा रेगुलर अपडेट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पीड़िता के परिवार को कंपेंसेशन मिले, पीड़िता को शहीद की दर्जा मिले, तथा जो मॉब वायलेंस हुआ था उसके कल्प्रिट को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, FIR किया जाए, तथा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द एक्ट बनाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए। वुमेंस कहीं पे भी सेफ नहीं है, सो प्लीज़ ये स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। सर, अभी जो आपने बातचीत में सुना, जो एक डेलीगेशन गया था सरकार के, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि से बात करने, बातचीत के बाद आया है, बातचीत बेनतीजा रही है और इन्होंने कहा है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी, अभी हड़ताल ऑन है। सरकार से जो बातचीत हुई है इसको ही अपने जनरल बॉडीज़ में ले जाएगी RDA, वहाँ डिस्कस करने के बाद सरकार के पास वापस आएगी। बातचीत का दौर शुरू हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए इनका हल होगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है देश भर में, इसमें जिस तरह से डॉक्टरों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और खासकर सरकार और पुलिस का रवैया जो इनके प्रति है उसको लेकर इनमें लगातार और गुस्सा बढ़ रहा है। जैसे भी यहाँ पर भी दिल्ली में भी सरकार ने इनको प्रदर्शन करने से मना किया, ये इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे लेकिन नहीं करने दिया गया। तो इन सब को लेकर इनका आक्रोश और बढ़ रहा है, इनका कहना हड़ताल जारी रहेगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। इस आंदोलन में जुड़ी जो भी बाकी अपडेट होगी न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।